नमस्कार, वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश। एड्स पर जागरूकता उत्पन्न कराने के लिए राज्य स्तरीय मैराथन का हुआ आयोजन। पर्यटन उद्योग से जुड़े हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित। और प्रेस वार्ता का आयोजन अब वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर आए अंडमान तथा निकोबार कमान के अपने त्रिसेवा कमान अटैचमेंट के भाग के रूप में वर्ष 2022-23 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा परिवक्षाधीन अधिकारी ने कल राजनिवास में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी के जोशी से मुलाकात की। एचआईवी एवं एड्स पर जागरूकता उत्पन्न कराने के लिए कॉलेज विद्यार्थियों तथा आम लोगों के लिए अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण संस्था द्वारा 5 किलोमीटर के राज्य स्तरीय मैराथन रेड रन आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण संस्था द्वारा आज नेताजी स्टेडियम से मजार पहाड़ तक राज्य स्तरीय मैराथन रेड रन आयोजित किया गया। इस मौके पर अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण संस्था के परियोजना निदेशक डॉ. सुब्रत साहा तथा एड्स नियंत्रण संस्था के उप निदेशक आईईसी जहनारा यास्मीन एवं प्रतिभागी मौजूद थे। इस बीच उप निदेशक जहनारा यास्मीन ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड जॉइनिंग अस एंड सपोर्टिंग अस फॉर दिस मैराथन, अवेयरनेस मैराथन। एंड जैसा हमारा थीम भी अब अगर आप देख सकते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है, बीट एचआईवी बिफोर इट बीट्स यू। तो ये दौड़ है, एचआईवी को बीट करना है हमें। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए परियोजना निदेशक डॉ. सुब्रत साहा ने एचआईवी एवं एड्स के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया। आपके लिए जो है दिस इज ए सिंपल थिंग कि मैराथन हो रहा है, बट हमारे लिए इट्स ए बिग इवेंट क्योंकि हम इस इवेंट से अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं, आप में अवेयरनेस डिसेमिनेट करना चाहते हैं कि एचआईवी क्या है, एड्स क्या है, कैसे फैलता है, किस चीज़ से नहीं फैलता है। तो बहुत सारा चीज़ है। तो एचआईवी आप लोगों को मोटा मोटी पता होगा कि एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक्स मैं बता रहा हूँ। एचआईवी फुल फॉर्म इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशेंसी वायरस, एंड ये एक वायरस है। ये वायरस जब प्रवेश करता है आपके बॉडी में, उसके बाद एंट्री करने के बाद कई सालों बाद आप अगर आप ट्रीटमेंट में नहीं हैं, अगर तुरंत आप एचआईवी पॉजिटिव है और ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो देयर विल बी नो हार्म। आप अपना पूरा जिंदगी, पूरा लाइफ एकदम नॉर्मल जी सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, मतलब नॉर्मली जो लेमन लैंग्वेज में शुगर बीमारी, प्रेशर बीमारी, उनका जो ट्रीटमेंट है कि आपको रोज़ दवा खाना है और लाइफ लॉन्ग खाना है। इट्स अ सेम थिंग। आजकल इतने मॉडर्न मेडिसिन निकले हैं एचआईवी एड्स के लिए कि अगर आप तुरंत शुरू करते हैं तो यू लीव ए हेल्दी लाइफ। आपका जितना भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 70 साल 80 साल, जो आप नॉर्मल जीते थे उतना ही आप जिएंगे। इसके बाद परियोजना निदेशक ने मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। चलो गर्ल्स, आप भी निकलना है साथ में। हम आज जो है अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल एड्स सोसाइटी की तरफ से एक रेड रन का अरेंज कर रहे हैं, तो हम इनको रेड रन नाम दिया है। ये मैराथन है 5 किलोमीटर का। एक्चुअली दिस मैराथन इज विल बी डन इन 2 पार्ट्स। एक हमारा स्टूडेंट ग्रुप है जो कॉलेजेस से आए हुए हैं ऑल ओवर अंडमान निकोबार से, और एक जो है जनरल पब्लिक का है। तो उसमें जो है दोनों को इसलिए बुलाया गया यहाँ पे जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, जनरल पीपल एंड अमंग यूथ, कि वो आए और हम जो यहाँ मैसेज देना चाहते हैं उस मैसेज को वो पूरी हर जगह पे फैलाए, ताकि वो अपने सोसाइटी में, अपने कम्युनिटी में इस मैसेज को फैलाए। तो ये मेरा हमारा मेन उद्देश्य रहता है। तो उसमें कुछ होता है कि स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन जो होता है एचआईवी पेशेंट के अगेंस्ट में, उसको हम मिटाना चाहते हैं। हम लोग ये डिसमिनेट करना चाहते हैं मैसेज कि कैसे एचआईवी फैलता है और किस किस चीज़ से एचआईवी नहीं फैलता है, जो कॉमन चीज़ेस है, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, ये सब उनको जानकारी दिया गया है,
ताकि वो आगे चल के अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, अपने सोसाइटी में इसको फैलाए, जागरूकता फैलाए एड्स, एचआईवी और एड्स के विषय में। प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लेते हुए इस मैराथन को सफलतापूर्वक पूरा किया। परियोजना निदेशक डॉक्टर सुब्रत साहा ने विपो में एड्स के मरीजों और उनके उपचार के बारे में दूरदर्शन को बताया। इस समय एज ऑन डेट, आज के डेट में पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड में कैंबल बे से लेकर डिगलीपुर तक हमारे पास 216 पेशेंट है जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और हमारे पास जितने पेशेंट है अंडमान निकोबार में सभी ऑन ट्रीटमेंट है और सभी एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होता है तो आके यहाँ पे उनको बताते हैं हमें, तो वो ट्रीटमेंट पर्पस के लिए हमारे पास जीबीपंत में एक एआरटी सेंटर है, दैट इज़ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर, जो हमारा जीबीपंत में स्थित है। उसमें हमारा एक डॉक्टर है, एक स्टाफ नर्स है, काउंसिलर है जो हर पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं, उसके बारे में जानते हैं और उनको कोई भी तकलीफ हो तो सलाह देते हैं। तो इस तरह से हम काम करते हैं। और पूरा ऑल ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हमारे पास 13 सेंटर्स है जिसे हम ICTC कहते हैं, दैट इज़ इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। तो एक कैंबल बे से लेकर डिगलीपुर तक इंक्लूडिंग पोर्ट ब्लेयर सब मिला करके 13 सेंटर्स है, जो 13 सेंटर्स में कोई भी बंदा अपना किसी भी HIV एड्स रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए जा सकता है। वहाँ पर हर जगह पर काउंसिलर है, हमारा एक लैब टेक्नीशियन होता है जो उनको काउंसलिंग करते हैं और जो भी ज़रूरी सलाह है वो उनको बताते हैं। तो कहीं में भी एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, टेस्टिंग से शुरू करके ट्रीटमेंट, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं एंड A to Z फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एड्स नियंत्रण और वयस्क शिक्षा जागरूकता के लिए डॉक्टर B.R. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान की रेड रिबन क्लब गतिविधि के एक भाग के रूप में डॉक्टर B.R. IAT से आटम पहाड़ तक 5 किलोमीटर की एक रेड रेस हाफ मैराथन आयोजित किया गया। हाफ मैराथन से पहले एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। RRC क्लब संकाय प्रभारी B.Tech सिविल नोडल अधिकारी अल्तमश मुस्तफा ने प्रतिभागियों को एड्स के कारणों, संचरण के विभिन्न तरीकों और उसके रोकथाम के बारे में जागरूक किया। मैराथन के विजेताओं में लड़कों की श्रेणी में आनंद कुमार, विवेक सौरेंग और दीपेन दास ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। इसी तरह लड़कियों की श्रेणी में पिंकी रॉय, दिया प्रधान और पायल बाला को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान मिला। आनंद कुमार ने अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय मैराथन में तीसरा स्थान हासिल किया। पर्यटन उद्योग क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा आज एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आज पर्यटन मित्र व दीदी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ, जिसमें उद्योग विभाग से जुड़े हितधारक शामिल हुए। इस मौके पर सहायक निदेशक S. रामकृष्ण, पर्यटन विभाग की प्रबंधक राबिया मुस्तफा, ग्रामीण विकास विभाग की रेशमा, संकाय प्रमुख IHM कोलकाता सुनीत मंडल तथा स्वयं सहायता समूह के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस बीच पर्यटन मंत्रालय के सहायक निदेशक S. रामकृष्ण ने इस प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी। टुडे वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ स्मॉल इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इट्स कॉल्ड अ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द स्टेक होल्डर्स ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री। द फर्स्ट डे पर्यटन दीदी, इट्स अ वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन टूरिज्म सेक्टर, द फर्स्ट डे। देन सेकेंड डे इट्स कॉल्ड पर्यटन मित्रा, it's for ladies and gents, Pariyatan Mitra to be trained. This Pariyatan Didi only for women empowerment. The last day, Swagatam, this is for all ladies and gents
for the whole industry. So the tourists entering the airport, that's a touch point. Either the auto drivers or the taxi drivers or the shopkeepers or the hoteliers or the tourist places. Wherever the tourist place is located, we have to develop the skills, that is soft skills, how to behave, how to approach, to welcome the guest. So these are the programs for the entire development of Andaman Island as a whole. कार्यक्रम में पर्यटन विभाग की प्रबंधक राबिया मुस्तफा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताया. On behalf of tourism department, myself Rabia Mustafa, manager tourism department, would like to thanks Ministry of Tourism, Government of India, IHM Kolkata for organizing such a good training program for our SAGs, food vendors and taxi drivers in a first phase manner. The aim of this training program is to upgrade the skill of manpower so that they should be able to handle tourists in a perfect manner. The tourists should feel like they are away from home. They should be attended properly with mannered, which is very essential in today's tourism industry. Though we have everything here in tourism destination potentials, everything, we are lack of some trained manpowers. So this is the initiative to train our manpower. Thank you. I really thanks Ministry of Tourism for such great initiative. कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने अपने अनुभवों को साझा किया. लेकिन आज जो ट्रेनिंग में हम लोग इसमें हम लोगों को टूरिज्म के ऊपर में कुछ सीखने मिला, क्योंकि ये सीखने मिले कि उनको स्वागत हम कैसे करें, कि उसको अपना दूसरे देश में एक देश मानने के बाद उसको ऐसा नहीं लगे कि ठीक है उसको दूर देश में आया. इसलिए हम लोग उसको हर तरफ से ख्याल रखना, उस लोग जरूरतमंद को हम लोग समझना चाहिए. तो ये ट्रेनिंग से हम लोग जो हम लोग पहले जानकारी था, ये ट्रेनिंग में आके उनसे और ज़्यादा जानकारी हम लोग को मिला. हम एक आर्टिशन है, कोकोनट सेल का ऊपर और इसी शेल का ऊपर हम काम करती है. हर दिन जो काम है, एक एक चीज़ हम प्रोडक्ट बना के हम टूरिज्म में जाके जहाँ भी टूरिज्म प्लेस है वहाँ में सेल करती है. जैसा हम IPNTC का तरफ से फ्री मेला और ऐसा बहुत सारा प्रोग्राम अरेंज करते, वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट लेके रखे हमारा टीम वर्क से हम लोग सेल करते. और हम लोग एयरपोर्ट में भी सेल्पर ग्रुप का प्रोडक्ट एयरपोर्ट में भी हम लोग सप्लाई करते. इस मौके पर पर्यटन विभाग के प्रबंधक ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रशिक्षणार्थियों के लिए काफी लाभप्रद होगा. दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी ऑर्गेनाइजिंग 3 days. फर्स्ट डे इज डेडिकेटेड टू SAGs, सेकेंड डे फूड वेंडर्स एंड द थर्ड डे टैक्सी कैब ऑनर्स. सो ईच बैच इज कंसिस्ट ऑफ 30 participants. So we have selected a few as just to train them in a good manner so that they can train many of them like that. And this initiative will continue and we'll have many more such training program in coming future. पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह पहल प्रतिभागी द्वीप समूह के पर्यटन उद्योग को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेगा. पोर्टर के पुलिस अधीक्षक का कार्यालय में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता दक्षिण अंडमान के पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्ट ने की. इस अवसर पर उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया कि बम्बू फ्लैट में चलाए गए नशा मुक्त अभियान के तहत बम्बू फ्लैट में एक व्यक्ति के पास से मादक पदार्थ जब्त की गई है और उसे हिरासत में लिया गया है. पिछले कई दिन से चल रहा है उसको लेके है. एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के तहत PS बम्बू फ्लैट में इन्फॉर्मेशन आई थी कि हीरोइन एक व्यक्ति के पास है. इस इन्फॉर्मेशन पर एक्ट करते हुए DSP ब्रिज मोहन मीना और इंस्पेक्टर रिजवान हसन इन्होंने काम किया और एक व्यक्ति जिसका नाम आतिश कुमार है उसको पकड़ा. उसके पास से 1.295 kg करीब 1200 ग्राम हेरोइन की बरामदगी करी गई. इस इन्वेस्टिगेशन की कमान सब इंस्पेक्टर मनोज लाल को दी गई और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ और नाम भी प्रकाश में आए. आतिश कुमार के इंटरोगेशन के बेसिस पे कृष्ण कुमार यादव, जो कि LGC हैं अंडमान लेबर फोर्स में,
इनको अप्रिहेंड किया गया, साथ में विंसेंट लाकरा, ये टीचर हैं सर्व शिक्षा अभियान में, अभी मायाबंदर में पोस्टेड हैं, और तीसरे व्यक्ति शैजू पी थॉमस, ये डेक पेटी ऑफिसर हैं डीएसएस में। इन तीन व्यक्तियों को अप्रिहेंड करके पूछताछ करी गई। पूछताछ में ये सामने आया कि ड्रग विंसेंट लाकरा कैम्बल बे से पोर्टब्लेयर लेके आए, इसमें इनकी सहायता कृष्ण कुमार यादव ने करी और इन्होंने आके ये ड्रग आतिश कुमार को दी। आतिश कुमार के साथी थे शैजू थॉमस, शैजू और थॉमस ने कुछ ड्रग अपने पास रख के बाकी की कोलकाता भेज दी। इस इन्फॉर्मेशन को डेवलप करते हुए कृष्ण कुमार यादव, विंसेंट लकड़ा और शैजू पी थॉमस को भी अरेस्ट किया गया। इस क्रम में कोलकाता की जो लीड मिली थी उसको फॉलो अप करने के लिए सब इंस्पेक्टर समरन विद्धा को कोलकाता भेजा, जहां पे जो बताई गई इन्फॉर्मेशन थी उस पे काम करते हुए 780 ग्राम्स हीरोइन कोलकाता से भी बरामद करी गई। तो इसके कंक्लूजन में हमने इस केस को 24 अगस्त को बम्बू फ्लैट पुलिस स्टेशन में दर्ज किया था। इन्वेस्टिगेशन काफ़ी लंबी चली, इन्वेस्टिगेशन कैम्बल बे, पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता, हर जगह फैलाई गई। अभी भी इसमें हमारे पास कुछ लीड्स हैं जिसपे हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस पूरे क्रम में 7 लोगों की अरेस्टिंग हुई है इस केस में, साथ ही 2.075 केजी हेरोइन बरामद की गई है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी जो मूल्य है वो करीब 14 करोड़ रुपए है। और इसके साथ मैं पीएस बम्बू फ्लैट टीम को जो बहुत एबली लेड करी जा रही है डीएसपी ब्रिजमोहन और इंस्पेक्टर रिजवान के द्वारा, इनको शाबाशी भी देना चाहूंगी। और साथ में मैं द्वीपवासियों को ये भी आश्वासन देना चाहूंगी कि अंडमान पुलिस, साउथ अंडमान पुलिस डिस्ट्रिक्ट, हम लोग एंटी ड्रग्स एजेंडा को लेकर बहुत सीरियस हैं। ड्रग्स के अगेंस्ट हमारी कार्रवाई पहले भी चलती आई है और अब हम और जोर शोर से ये कार्रवाई करेंगे। अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो कृपा करके हमको वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ताकि हम ये जो नारकोटिक्स का यहाँ पे काम हो रहा है अंडमान द्वीप समूह में, इसको खत्म कर सकें। विपो के सांसद विष्णु पदरे ने पोर्ट ब्लेयर के अंडमान लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को पत्र लिखकर उनसे स्कूल लाइन से डेयरी फार्म जंक्शन तक सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग की है। अपने पत्र में सांसद ने सड़क के मध्य भाग को खोदकर और क्षतिग्रस्त सड़क के केवल अस्थायी बदलाव के साथ इसे छोड़कर पुरानी पाइपलाइनों को हाल ही नई पाइपलाइनों में बदलने के बाद सड़क की दयनीय स्थिति को रेखांकित किया है। उन्होंने बताया कि सड़क का यह हिस्सा काफी खराब हो गया है और लोगों के लिए यह एक गंभीर खतरा बन गया है। इससे आम जनता, वाहन चालकों, बुजुर्गों और मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सांसद ने अंडमान लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता से सड़क की इस खराब स्थिति की मरम्मत को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। आया क्या? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए, हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। जब आपकी आंखें सदा के लिए बंद हो, तब आप किसी और की आंखें सदा के लिए खोल सकते हैं, ताकि वो भी दुनिया की सुंदरता को देख सके। अपनी आंखें दान करें और मृत्यु के बाद भी जीवित रहें। याद रखें, मृतक ही आंखों को तुरंत बंद कर दें, पंखे बंद कर दें, आई बैंक को फोन करके सूचित कर दें। मृत्यु के 3 से 6 घंटे के अंदर आंखें दान करवा दें। नेत्रदान से सुंदरता नहीं बिगड़ती। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आई बैंक से संपर्क करें। राष्ट्रीय दृष्टि विहीनता नियंत्रण कार्यक्रम। आप
आप दूरदर्शन के नेशनल चैनल को टाटा प्ले पर 114 नंबर पर, एयरटेल पर 148 नंबर, सन पर 302 नंबर, हैथवे पर 40, डीटीएच पर 175, डेन पर 138, डिश पर 193 और फ्री डिश पर 2 नंबर चैनल पर देख सकते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। चक्करगांव स्थित अंडमान कॉलेज में तीसरे दौरे की काउंसलिंग के बाद बीकॉम जनरल, बीकॉम कॉरपोरेट सेक्रेटरीशिप, बीबीए, बीए अर्थशास्त्र, बीए अंग्रेजी, बीएससी मनोविज्ञान, बीए समाजशास्त्र और बीपीए संगीत में कुछ सीटें रिक्त हैं, जिन उम्मीदवारों ने पहले आवेदन किया है और उनके नाम इन पाठ्यक्रमों के अंतिम मेरिट सूची में हैं, उन्हें 13 सितंबर को सुबह 9:30 बजे प्रवेश सह परामर्श के अंतिम दौर में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। रिक्त रहने वाली किसी भी सीट को उसी दिन उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर ऑफलाइन मोड पर जारी किया जाएगा। विपो में गणेश पूजा बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान पूजा पंडालों में विशेष रूप से शाम के समय भगवान गणेश की आराधना और उनका आशीर्वाद पाने के लिए काफी संख्या में भक्तजन पहुंच रहे हैं। इस दौरान मंत्रोच्चारण के साथ बाल गणेश की विशेष पूजा की जा रही है। इस मौके पर श्रद्धालु विभिन्न पंडालों में आयोजित पूजा कार्यक्रम में श्रद्धापूर्वक शामिल हो रहे हैं। ओम सरस्वते स्वनारायणायत्तोयामी स्वाहाषिकेशोदयामी ओं श्रेय महागणपत नम ओं पत्रम कृणे चुनियाम देवा पत्रम पश्ये माचुरेयचत्राः मनाया जा रहा है और आज जो है पूजा का 14 दिन है। हमारे इस धूमधाम से मनाया जाने का कई लोगों का हाथ है, जिसमें प्रेसिडेंट जी पापा राव के द्वारा जो है ये पूजा मनाया जा रहा है। स्काई क्लब के तरफ से प्रेसिडेंट को 30 साल से पूजा बन रहा है और पूजा बहुत ही बढ़िया बन रहा है। 1994 నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇక్కడ పూజ అనేది ఇక్కడ చేయబడుతుంది। ఇదే ప్లేస్ లో మేము చిన్నప్పటి నుంచి చూసేవాళ్ళం। మా అమ్మ నాన్న తర్వాత పీడి నుంచి మేము మొదలెట్టాం। ఇప్పుడు 3rd జనరేషన్ నడుస్తుంది। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरत्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गजानन भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं धनान्विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्ये सर्वदा विनायकं कुरु भवानो ब्रह्मविष्णो महेश्वरः। केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन ने हाल ही में कुपोषण मुक्त अभियान के तहत अंडमान कॉलेज में जागरूकता सह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य किशोरों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कुपोषण को दूर करना था। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि एनकॉल के प्राचार्य डॉ एस जयकुमार ने किया। केंद्र शासित प्रदेश के कुपोषण अभियान के नोडल अधिकारी डॉ अभिजीत रॉय मुख्य अतिथि थे। एनकॉल के सहायक प्रोफेसर, इस पहल के नोडल अधिकारी के सेल्वा कुमार और कार्यक्रम के समग्र समन्वयक डॉ बेगम ने कार्यक्रम में आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के दौरान सहायक प्रोफेसर और वाणिज्य के विभागाध्यक्ष डॉ बीएसवी मीरा शेट्टी ने स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने में आवश्यक पोषक तत्वों के महत्व पर चर्चा की, जबकि डॉ एस जयकुमार ने कुपोषण को रोकने में संतुलित आहार की भूमिका पर प्रकाश डाला। डॉक्टर अभिजीत रॉय ने वयस्कों और किशोरों दोनों को प्रभावित करने वाले सामान्य स्वास्थ्य मुद्दों पर चर्चा की। स्वस्थ हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखने में उचित पोषण के महत्व पर जोर दिया।
शिविर का समापन एनकॉल के सहायक प्रोफेसर डॉ. देव सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में ऐसी पहलों को महत्व को दोहराया। द्वीप समूह के बाहरी द्वीपों में भी बच्चों, वयस्कों, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण युक्त आहार और व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर विभागीय अधिकारियों द्वारा स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में कुपोषण और अनीमिया के बारे में जानकारी दी गई। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कंप्लीट क्वांटिटी में रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और किसी चीज की कमी अगर हो जाए तो हम एनीमिक हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा हाँ एनीमिया के बारे में, जैसे हम पिक्चर्स में देख सकते हैं, अगर नॉर्मल बॉडी है तो हमारा आरबीसी का काउंट इतना ज्यादा होता है, और हम एनीमिक है तो देखिए आरबीसी का काउंट कम है। तो इस तरह से आप जब टेस्ट कराएंगे, आप एनीमिक हो जाएंगे तो आपका ब्लड में आरबीसी का जो कंटेंट है वो एनीमिया। तो रिप्रोडक्शन फेज कब आता है हमारे लाइफ में? रिप्रोडक्शन फेज क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता क्या है? जब हमारे अंदर के चेंजेस आना शुरू होता है, रिप्रोडक्शन में चेंजेस आना शुरू होता है। क्या क्या चेंजेस आता है हमारे अंदर में? चेंजेस आने मतलब की जो अलग अलग तरह का चेंजेस आना, अभी अपने छोटे अभी शायद एट क्लास में है, कोई तो बड़े बहुत ज्यादा दर्द होना, थकावट लगना, पेट दर्द देना, कुछ खाने का दिल नहीं करना, सब होता है किसी किसी को। ये टाइम में जब स्टार्टिंग स्टेज होता है तो बहुत ज्यादा हमारा पीरियड होता है, फर्स्ट आप लोगों का एक दो साल जो पीरियड वगैरह होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। इस समय हमें क्या करना चाहिए? आयरन रिच फूड खाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में जो है खून की कमी ना हो। अब ये एज में अगर आप अनिमिक हो गए, तो इन फ्यूचर जब आप मैरिटल शादी करने के टाइम हो गए तो ये अनिमिया आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ये वहां भी आपके साथ ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको बॉडी में खून की कमी होना शुरू हो गया, आपने उसे बैलेंस नहीं किया, आपने उसे क्योर नहीं किया। तो ये क्योरेबल है, ये कोई डिजीज नहीं है, बस हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते जा रहे हैं। जो हमारा जैसा चलना चाहिए वैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को नहीं कर रहे, जैसा हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जो खाना पीना चाहिए वो हम नहीं कर रहे इस स्टेज, ठीक है? इसलिए हमें। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे इन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में आज के मुख्य अंश एक बार फिर। एड्स पर जागरूकता उत्पन्न कराने के लिए राज्य स्तरीय मैराथन का हुआ आयोजन। पर्यटन उद्योग से जुड़े हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित और प्रेस वार्ता का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।